सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की झारखंड प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह के निर्देश पर गुरुवार को पार्टी के हुसैनाबाद इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल बिजली की लेचर व्यवस्था को लेकर हुसैनाबाद विद्युत अवर प्रमंडल के सहायक अभियंता से मुलाकात की और उन्हें संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तो पार्टी के अनुमंडल अध्यक्ष सैयद वसीम अहमद ने किया। ज्ञापन सौंपने के उपरांत प्रेस से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि अनुमंडल क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है, घंटों बिजली आपूर्ति बाधित होने से नागरिकों का हाल बेहाल है। कहा कि कमलेश कुमार सिंह के प्रयास से उनके मंत्रित्व काल में हुसैनाबाद में उच्च स्तरीय ग्रिड लगाकर ग्रामीण तथा शहरी फीडर में लगभग 20 घंटा बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी, लेकिन आज विभागीय उदासीनता के कारण दो दो दिनों तक बिजली आपूर्ति लगातार बाधित रहती है। राकंपा अनुमंडल अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ जहां लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल हैं, वहीं पर्याप्त वर्षा के अभाव में किसान बिजली नहीं होने से पटवन कर खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। कहा इसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कदापि सहन नहीं करेगी, बल्कि पर्याप्त बिजली आपूर्ति बहाल करने और उसमें आवश्यक सुधार के लिए जरूरत पड़ी तो आंदोलनात्मक रुख अख्तियार करने पर मजबूर होगी।